सिलसिला जो है हमारा वो कादरी सोहरावी चिश्ती कलंदरी है। बेसिकली सिलसिला हमारा जो है वो कादरी सोहरावर्दी चिश्ती कलंदरी है। अब कादरी और सोहरावर्दी और चिश्ती सलासिल तो वाज़े हैं, तकरीबन लोग उसको जानते हैं तमाम सलासिल को, लेकिन कलंदरिया सिलसिला एक ऐसा है जिस पर कन्फ्यूज हैं और अक्सरियत माली जो है वो अपने आप को कलंदरी कहते हैं, मगर कलंदरी नस्बत क्या है उससे वाकिफ नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बात एक आम सी है कि दुनिया में ढाई कलंदर हुए, जैसे कि एक वली शाह कलंदर, एक लाल शाहबाज कलंदर और आदि कलंदर राबिया बसरी। जबकि ये बात जो है लुगू है, लुगत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरत राबिया बसरी जो हैं वो तबा ताबई हैं और कोई कलंदर, कोई बुजुर्ग, कोई वली उनके दर्जे तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सहाबी के बाद ताबई और ताबई के बाद तबा ताबई का मरतबा है, फिर औलिया अल्लाह का दर्जा आता है। तो जो इस बात से कंफ्यूज हैं कि वो आदि कलंदर हैं तो अपने जहन से निकाल दें ये बात, ये एक इस्लाम बात है। राबिया बसरी वो बुजुर्ग थी कि उनके वजू का पानी पीकर लोग कलंदर हो जाते थे। आप उस मकाम के बुजुर्ग थी। अब कादरिया सिलसिला बेसिकली क्या है, ये मुंतही हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जाकर होता है, क्योंकि सिलसिला कलंदरिया की नस्बत जो है वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी नस्बत थी और हजरत मौला कायनात अली करम अल्लाह। तो कलंदरी वो हैं जो सिद्दीकी भी हैं और अलवी भी हैं। सुभानअल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खलीफा थे उनके बाद जो उनके जानशीन हुए वो हजरत अबू सईद हबशी हुए और ये कलंदरी सिलसिले के बानी हैं। ये कलंदरी सिलसिला यहाँ से चला है। हजरत अबू सईद हबशी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हजरत अब्दुल अजीज मक्की कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे। सुभान। और हजरत अब्दुल अजीज मक्की कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हजरत शेख अब्दुल्ला अलमदार कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे। सुभान। हजरत अब्दुल्ला अलमदार कलंदर जो थे हजरत पीर खिदर रूमी के पीर मुर्शिद थे। सुभान। और पीर खिदर रूमी जो थे ये हिंद में आए हैं और ये हजरत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इंडिया आए, हिंदुस्तान में वारिद हुए। आपकी उम्र करीबन करीबन 225 साल बताई जाए। सुभान। और आपने करीबन 100 साल सयाद की। सुभान। तो आपको हुक्म हुआ कि आप जो हैं दिल्ली जाएं, आपका हिस्सा वहाँ भी है। तो आप जब दिल्ली आए तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खिरका व खिलाफत अता फरमाई और आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को खिरका पहनाया। सुभान।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खिदर रूमी, आज से हिंदुस्तान में सिलसिला कलंदरिया चिश्तिया तुम से चलेगा। सुभान अल्लाह। तो आपके जो जानशीन हिंदुस्तान में हुए उनका नाम था शेख नजमुद्दीन कलंदर मालवी। सुभान। ये मालवा में थे हिंदुस्तान में। इनसे सिलसिला कलंदरी चला। हजरत वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं के फैज़ी याफ्ता हैं और हजरत लाल शाह अब्बास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पीर शेख इब्राहिम करबलाई रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं से ही तरबियत याफ्ता हैं, इन्हीं के फैज़ी याफ्ता हैं। तो बेसिकली ये कलंदरी सिलसिला जो वो अली शाह और हजरत लाल शाह अब्बास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का है वो जाके मुंतही होता है हजरत ख्वाजा बिलाल हबशी रहमतुल्लाह। और आपका सिलसिला दो जगह मुंतही होता है, एक मौलाए कायनात और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक। सवाल। तो कलंदरों को ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि मौलाए कायनात और अबू बकर सिद्दीक हमारे सरदार हैं। सवाल 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 सवाल। उन पर ही ये सिलसिला जाके मुंतही होता है। तो ये थोड़ी सी एक ये वजाहत थी कलंदरी सिलसिले की। लोग कलंदरी सिलसिले को किसी और तरफ ले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही नस्बत है कलंदरी सिलसिले की वो इसलिए वजाहत के साथ ज़रा से बयान करनी पड़ी कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि ये सिर्फ हजरत अली पर ही जाके ख़त्म होता है। अब दूसरी बात कि दूसरी नस्बतों में लाल शाह अब्बास कलंदर सोहरावर्दी हैं और वो अली शाह कलंदर चिश्ती हैं। सोहरावर्दी ऐसे हैं वो अली शाह ये लाल शाह अब्बास कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इनको हजरत बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से भी खिलाफत और इजाज़त और नस्बत। तो इस तरीके से ये सोहरावर्दी हैं और वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजरत निज़ामुद्दीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा बदरुद्दीन शेख बदरुद्दीन के खलीफा हजरत शेख आशिक बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से नस्बत थी। वो उस नस्बत से आप चिश्ती हैं लेकिन कलंदरी नस्बत जो आपको है वो हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से है जिसकी वजह से आप कलंदर हैं। दूसरी बात नस्बतों का बड़ा एक मामला है और बड़ा असर होता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे शेख एक वाकया बयान करके बहुत रोते थे। तो लोगों ने पूछा कि हजरत वो क्या वाकया था जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करके रोते थे। आपने फरमाया कि वो फरमाते थे कि मेरे पड़ोस में दिल्ली के अंदर एक शख्स रहता था जो बड़ा फासिक और फाजिर था। तो उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो आप फरमाते हैं कि मैं इस वजह से उसके जनाजे में नहीं जा सक गया कि वो बहुत फासिक और फाजिर था और लोगों को बहुत तंग करता था। तो मैंने उसके इंतकाल के 3 दिन के बाद ये ख्वाब में देखा कि वो शख्स बड़े अच्छे कपड़ों में मलबूस है और वो एक तख्त पे बैठा हुआ है। तो आपने उसको देखा, आपने फरमाया, उससे पूछा कि भाई तू तो दुनिया में जो तेरे